तो दोस्तों फाइनली वो वाला वीडियो आ गया है जिसका आप लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था, क्योंकि दोस्तों आप लोग काफी सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट करते थे कि मनोज भाई आप एक वीडियो बनाओ जिसपे बताओ कि गेमिंग चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी गेमिंग चैनल बहुत ज्यादा है। मेरे जो कमेंट्स आते हैं उनमें मैक्सिमम मैं देखता हूँ कि 20-30% जो है सिर्फ गेमर्स लोग कमेंट करते हैं। लाइव स्ट्रीम भी करता हूं तो वहां पर भी जो सुपर चैट्स आते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चंस करते हैं वो भी गेमिंग चैनल से ज़्यादा ही रहते हैं। तो आज की इस वीडियो पे मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा कि एक नया जब आप यूट्यूब चैनल खोलते हो और अगर आप गेमिंग चैनल खोल रहे हो तो आप कैसे उसको ग्रो कर सकते हो स्टार्टिंग में जब आपका जीरो सब्सक्राइबर रहे, और आप लोग एकदम जेन्युइन जो है कुछ टिप्स मैं दूंगा जिससे आप लोग अपने गेमिंग चैनल को ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों बने रहे वीडियो पे एंड तक और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिएगा आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो मैं टिप्स दूंगा इसमें एक खास बात यह है कि मैं अपने आप को यहाँ पर रिलेट करूंगा वीडियो पे और उसके बाद मैं बताऊंगा, मतलब ये है कि मैं यहाँ पर खुद सोचूंगा कि मैंने, मान लीजिए कि मैं अभी मनोज दे नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा फेस का कोई वैल्यू नहीं है, मैं एक नया कोई बंदा हूँ जो नया नया यूट्यूब पर आ रहा हूँ और मुझे एक गेमिंग चैनल स्टार्ट करना है तो मैं क्या क्या करता, अगर मैं उस जगह रहता तो क्या क्या करता। मेरा 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस जो यूट्यूब का है उसके मुताबिक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मैं आपके जगह पर आता तो मैं क्या करता अपने गेमिंग चैनल को ग्रो करने के लिए। ये आपका एक मोस्ट बेनिफिट वाला ये वीडियो है, क्योंकि इससे क्या होगा कि अपने आपको मैं रिलेट करके बताऊंगा तो मैं बता पाऊंगा अच्छे से कि हाँ ये चीज़ मैं करता अगर मैं उस जगह पर आता, आपके जगह पर रहता। तो चलिए ये एक आप लोगों के लिए बेनिफिट है, तो सुनते हैं कि क्या करता अगर मैं रहता, अगर मैं, मेरा नया चैनल है, मान लीजिए मैंने गेमिंग चैनल ओपन किया है और मैं मनोज दे इस टाइम नहीं हूँ, एक नॉर्मल सा लड़का हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ पहले क्या करता। सबसे पहला फोकस दोस्तों आप लोगों का ये होना चाहिए कि आपका जो चैनल होगा उसमें गेमिंग, जिसको इंटरेस्ट है गेम्स को लेकर, वहीं आपका ऑडियंस होना चाहिए, आपका सब्सक्राइबर जो बनेगा आपका वहीं होना चाहिए। आप मान लीजिए कि आपका गेमिंग चैनल है और आपका एंटरटेनमेंट कैटेगरी जो इंटरेस्ट रखता है उस तरह का सब्सक्राइबर बन जाए तब तो फिर आपका चैनल बनने से रहा। तो मतलब आपका पूरा का पूरा फोकस जो रहना चाहिए वो होना चाहिए कि आपका जो है गेमिंग से रिलेटेड ही ऑडियंस होना चाहिए जो गेम से इंटरेस्ट रखता है, गेम से रिलेटेड। अब यहाँ पर मेन टॉपिक पर आते हैं। अब पहला पॉइंट दोस्तों, जब हम लोग नया चैनल खोलते हैं तो हमारे पास अच्छा खासा सेटअप तो रहता नहीं है। अब ऐसा नहीं कि कैरीमिनाटी जैसा आप लोगों के पास बहुत बड़ा पीसी होगा, गेमिंग पीसी होगा, ऐसा नहीं है। सबके पास एक स्मार्टफोन है। अब सबके पास महंगा स्मार्टफोन भी नहीं होता। मैं हर एक चीज़ को अपने आप को रिलेट करके मैं देख रहा हूँ। सबके पास ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लाखों रुपये का स्मार्टफोन है, नॉर्मल सा स्मार्टफोन भी रहता है 10-12 हज़ार का फ़ोन। तो तब फिर मैं क्या करता, आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके पास कोई भी अच्छा सेटअप नहीं है, सिर्फ आपके पास एक स्मार्टफोन है, तो आप क्या करोगे। सबसे पहला पॉइंट आपको ये करना है कि सबसे स्टार्टिंग में जब आपने चैनल क्रिएट किया, सबसे पहले तो आपने चैनल को कस्टमाइज कीजिए, अच्छा सा लोगो डालिए, अच्छा सा बैनर डालिए, चैनल को पूरा कस्टमाइज करके अच्छा सा बना लीजिए प्रोफेशनल। और पहला टिप्स, आपको लाइव स्ट्रीम नहीं करना है स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि लाइव स्ट्रीम थर्ड पार्टी एप्स बहुत सारा है जहाँ से आप लोग लाइव स्ट्रीम स्टार्टिंग से ही कर सकते हो, लेकिन आपको करना नहीं है। क्योंकि लाइव स्ट्रीम जब आप करोगे तो आपके पास तो ऑडियंस है नहीं, तो आपको देखेगा कौन। पहला बात, आपको देखने वाला लोग भी तो होना चाहिए तब तो लाइव स्ट्रीम करोगे। मैंने ऐसे ऐसे कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स देखे हैं, गेमिंग चैनल, जिनमें 200-400 सब्सक्राइबर है और वो लोग लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में मज़ा नहीं है, आपका 20-25 वॉचिंग आएगा, दिन भर परेशान रहोगे, 2-3 घंटा पसीना से भींगोगे, लाइव स्ट्रीम करोगे मज़ा नहीं आएगा। लाइव स्ट्रीम भी क्या होगा कि आपका लैग करेगा, क्योंकि आपके पास अच्छा सेटअप है नहीं, लैग भी करेगा, ऑडियो क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। इसलिए आपको स्टार्टिंग में लाइव स्ट्रीम नहीं करना है, ये पहला पॉइंट। तो करना क्या है, तो करना आपको दोस्तों ये है कि आपको गेम खेलना है। आप में थोड़ा बहुत तो सबसे पहली बात कि गेमिंग से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड स्किल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती किसी को देख करके कि हाँ वो गेम से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, उसको बहुत सारा लाखों सुपर चैट्स मिलता है, बहुत इनकम होता है, ये नहीं। आपका इंटरेस्ट है तो ही करो। लाइक मेरा इंटरेस्ट नहीं है गेमिंग पे, तो मैंने तो गेमिंग चैनल नहीं स्टार्ट किया, मुझे मज़ा ही नहीं आता, मैं गेम्स खेलता ही नहीं। तो आपका इंटरेस्ट तो सबसे पहले होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत स्किल आना चाहिए गेम से रिलेटेड। तब क्या होगा कि आप गेम, आपको नॉर्मल सा गेम प्ले करना है, गेम खेलना है और इसके रिकॉर्डिंग करना है, और उसके बाद उस गेम प्ले का मेन जो पॉइंट्स होगा जिसमें इंटरेस्टिंग था, कहीं पे आपने बंदे को किल किया है, कहीं पे उसने मारा, कहीं पे आप बचे हो, इस तरह के मेन जो इंटरेस्टिंग जो क्लिप्स होंगे उनको आपको कट करके एडिट करना है अच्छे से। एडिट करने के बाद आपको बाद में वॉइस ओवर करना है। आप गेम खेलते खेलते जब स्टार्टिंग में वॉइस ओवर करते हो तो आप वॉइस ओवर अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको बोलने का प्रैक्टिस नहीं है। आपका नया चैनल है, आपने नया नया खोला, तो आपको बोलने का प्रैक्टिस है नहीं, तो आप लोग अच्छा से बोल नहीं पाओगे। इसलिए आपको करना यही है कि गेम प्ले करना है, गेम खेलना है और उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, उसके बाद उसको काइन मास्टर या फिर कोई भी एप्लीकेशन पर जा करके बाद में वॉइस ओवर करना है, मेन क्लिप्स को एडिट करके। अब उसको वॉइस ओवर करके जब आप एक अच्छा खासा गेम प्ले वीडियो रेडी कर दो, 5 मिनट का, 5 से 10 मिनट के बीच का,
और उसको आप आराम से वहाँ पर अपलोड करो, एक अच्छा सा थंबनेल बनाओ, 25 कील या तो 8 कील, इस तरह करके बहुत सारा थंबनेल्स रहता है, उससे आइडिया लो कि अगला क्या कर रहा है। और एक अच्छा सा थंबनेल बना करके आपको अपलोड करना है, और अपलोड करने के टाइम आपको अच्छे से टाइटल, अच्छे से टैग, अच्छे से डिस्क्रिप्शन को लिखना है, SEO करना है अपनी वीडियो को। ये चीज़ आप अपना मेरा एक वीडियो देख सकते हो कि वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, वीडियो बना हुआ मेरे चैनल पर, जाकर के देख सकते हो, अच्छे से सीख जाओगे। ये हो गया दोस्तों दूसरा काम, पहला आपको लाइव स्ट्रीम नहीं करना है, दूसरे में आपको गेम प्ले वीडियो बना करके बाद में वॉइस ओवर करके अच्छे तरीके से अपलोड करना है। उससे क्या होगा कि कोई ना कोई वीडियो अगर आपका इन केस कभी चल गया तो फिर आपको ऑडियंस यहाँ से काफ़ी मिल जाएगा। जब आपका ऑडियंस मिल जाएगा, 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएगा, फिर आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि ये हो गया पहला पॉइंट कि जहाँ से आप लोग ऑडियंस जुगाड़ कर सकते हो, इस तरह करके सब्सक्राइबर बना सकते हो। अब आपको फिर फोकस वहीं होना चाहिए कि आपको गेमिंग से रिलेटेड सब्सक्राइबर बनाना है, जो गेम से रिलेटेड इंटरेस्ट रखता है। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि गेम से रिलेटेड अगर कोई न्यूज आता है, लाइक कि BGMI आने वाला है, लॉन्च डेट, इस तरह का बहुत सारा न्यूज आए हुए थे और अभी भी आ ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि कभी ब्रेक होता है, न्यूज तो आते ही रहता है। तो आपको गेमिंग से रिलेटेड अगर कोई न्यूज यूज आता है तो उससे भी आप उसको भी लेकर के वीडियो बना सकते हो। अगर वो वीडियो आपको वायरल होता है इनकेस, तो उसमें भी जो सब्सक्राइबर बनेगा तो वो वीडियो देखेगा कौन, जिसको गेम से रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो आपको सब्सक्राइबर उसी थ्रू उसी के बेसिस पे मिलेगा। तो मतलब आप ये भी काम कर सकते हो कि गेमिंग से रिलेटेड अगर कोई न्यूज आता है, कुछ भी आता है, आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज देखिए, आर्टिकल्स रीड कीजिए और उस पर भी आप वीडियो बना सकते हो। ये हो गया दोस्तों दूसरा टिप, जहाँ से आप लोग ऑडियंस जुगाड़ कर सकते हो। अब दोस्तों जो थर्ड वीडियो आपको बनाना है वो ये करना है कि आप गेमिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो भी बना सकते हो। बहुत सारा गेमिंग चैनल मैंने देखा है जहाँ पर मिलियन ऑफ व्यूज रहता है और वो लोग वीडियो बनाते हैं और मिलियन सब्सक्राइबर भी हिट करके बैठे हुए हैं। मेरे से काफ़ी सारे गेमर्स का बात भी होता है, वो लोग क्या करते हैं कि गेमिंग से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स पे वीडियो बनाते हैं कि जैसे कैसे छलांग मारे ज़्यादा या फिर कैसे मारे। लाइक मुझे गेमिंग से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि गेमिंग पे भी बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स होता है जहाँ से आप लोग अच्छा गेम प्ले कर सकते हो, तो उससे भी रिलेटेड आप लोग वीडियो बना सकते हो। और उससे भी अगर आपका वीडियो वायरल होता है, अगर आपका अच्छा खासा व्यू आता है, तो उससे भी आपको जो ऑडियंस मिलेगा वो आपको गेमिंग पे इंटरेस्ट है उसी तरह के ऑडियंस मिलेंगे। तो ये दोस्तों मैंने 3-4 पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर कवर किया है और बताया है कि आप कैसे एक स्टार्टिंग में नया चैनल खोलोगे तो आप कैसे गेमिंग चैनल को ग्रो कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर अपने आप को खड़ा करके ये चीज़ बताया, क्योंकि मैं भी अगर नया चैनल खोलता और अगर करता तो मैं यही काम करता। पहला तो लाइव स्ट्रीम नहीं करता, सेकंड गेम प्ले करके रिकॉर्डिंग करता क्योंकि मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, थर्ड में आपको गेम से रिलेटेड न्यूज आने से आपको वीडियो बना देना है, अगर अदरवाइज आपको क्या करना है कि गेम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स पे भी आप वीडियो बना सकते हो। तो इतने सारे चीज़ें हैं। और दोस्तों अभी गेमिंग से रिलेटेड जो है स्कोप आपको बहुत आगे मिल जाएगा, अभी BGMI भी आ चुका है, PUBG का सेकंड रूप, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का स्कोप जो है गेमिंग का वो काफ़ी ज़्यादा है, पैसा भी गेमिंग से बहुत ज़्यादा इनकम होता है। थोड़ा सा मैं मोटिवेट करने की अगर कोशिश करूँ तो इसीलिए फोकस कीजिए, जो जो मैंने टिप्स बताया है आप उनको फॉलो कीजिए, आपका डेफिनेटली चैनल ग्रो करेगा। तो आई होप गाइस आज का इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।